खबर है जनपद सीतापुर से, जहां रेवसा थाना क्षेत्र में बीते बुधवार देर रात आग की चपेट में आकर जली विवाहिता की राजधानी लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतिका के मई के पक्ष की तरफ से बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही। आपको बता दें कि पूरा मामला रेवसा इलाके के अक्सोहा मजरा सेवनपुरवा का है, जहां बीते बुधवार को देर रात आग की चपेट में आ जाने से विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई। आग पर काबू पाने के बाद विवाहिता को रेवसा CHC ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने पीड़िता को KGMU ट्रामा सेंटर में भेज दिया। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मृतिका के परिजन बस्ती से मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं मायका पक्ष के लोगों ने बताया कि विवाहिता की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे,